नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अंकित। दर्शकों, रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए कुछ नए और आपकी समस्याओं के समाधान। आज जानेंगे अंकों के अनुसार क्या कहता है आपका भविष्य आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, अंकों का हमारे जीवन में एक अलग ही महत्व है। ये अंक आपकी स्थिति को बिगाड़ सकते हैं और अच्छी भी कर सकते हैं। तो आज हम मूलांक के अनुसार आपका भविष्य जानेंगे। उसे बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अंक ज्योतिषी डॉक्टर कैलाश प्रज्ञा सुथा जी। कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा। आज का दिन सभी दर्शकों के लिए मंगलमय हो, ऐसी शुभकामनाएं। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप समाधान के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि मूलांक के अनुसार कैसा रहने वाला है आपका भविष्य। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मूलांक के अनुसार कैसा है आज का दिन। और शुरुआत करते हैं, मूलांक एक सूर्य का अंक है। कार्य स्थल पर आपको साथियों से सहयोग प्राप्त होगा। ऋण से निपटने हेतु मार्ग प्रशस्त होगा। हाँ, पार्टनर के साथ प्यार से पेश आए, वाद विवाद से आप बचिएगा आज का दिन। हाँ, मूलांक एक के लिए शुभ रंग की अगर हम बात करें, लाल जो रंग रहता है वो विशेष रूप से कपड़ों के अंदर, गाड़ी के अंदर, वाहन के अंदर लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक दो चंद्रमा का अंक है। आज आपके सोचे हुए काम पूरे होंगे। हाँ, परेशानियां भी खत्म हो रही है आज के दिन। इस अंक वालों को कोई भी जोखिम भरा काम नहीं करना है और कोई बड़ा फैसला भी नहीं लेना। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक दो के लिए, पीला जो रंग रहता है वो विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक तीन अंक ज्योतिष का सर्वश्रेष्ठ अंक है, बृहस्पति का अंक है। आज आपका अचानक यात्रा पर जाना पड़ सकता है, धन लाभ होगा, दुश्मन पराजित होंगे, ऑफिस में मेहनत अधिक रहेगी, नौकरी में आपकी प्रगति रहेगी, दिन बहुत शुभ है। मूलांक तीन के लिए शुभ रंग की अगर हम बात करें, भूरा ब्राउन कलर जो रहता है विशेष रूप से आज आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। कैलाश जी, आगे के मूलांक की तरफ बढ़ने से पहले जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं जी, वो हमारा विषय है तीर्थ यात्रा, यानी कि हम अगर वैसे कहें तो धार्मिक यात्राएं भी हम कह सकते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कैलाश जी कि धार्मिक यात्रा जो है उसका क्या महत्व है। दर्शकों, पहले जमाने में व्यक्ति विशेष घर परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के बाद एक उम्र के उपरांत के पश्चात धार्मिक यात्राओं पर जाया करते थे। उस टाइम यात्राएं सफल होने के लिए भी बहुत दुविधा हुआ करती थी। लेकिन आजकल एक ट्रेड सा है, जब मन हो गया, जब मर्जी हो गई, अपन यात्रा पे निकल गए। इसको आज के संदर्भ में देखा जाए तो बहुत अच्छा है। अंक ज्योतिष दृष्टिकोण से, अगर हिंदू माइथोलॉजी के दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो व्यक्ति विशेष को अपने जीवन में जब भी मन में निश्चिंतता रहे कि वो शारीरिक रूप से स्वस्थ है और अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन वो कर रहा है, उसके उपरांत भी वो धार्मिक यात्राएं कर सकता है, तो उसे जरूर धार्मिक यात्राएं करनी चाहिए। और धार्मिक यात्राओं का वैसे तो फल और फलाभूत के अंदर अगर जाके एनालिसिस किया जाए तो बहुत लंबी चौड़ी गहराई है, लेकिन शॉर्ट में अगर, सारांश में अगर इसको समझा जाए धार्मिक यात्राओं को, तो व्यक्ति विशेष को जीवन में धार्मिक यात्राएं करने से जो हमारे काम के अंदर उठापटक चल रही है, जो ग्रहों का उठापटक का खेल चल रहा है, उसमें काफ़ी शांति मिलती है। और जो ग्रह जो अपने आप में चलित में अच्छे फल नहीं दे रहे, धार्मिक यात्राओं के उपरांत वो अच्छे फल भी देते हैं। क्योंकि हिंदू माइथोलॉजी में, किसी भी माइथोलॉजी में, ग्रंथ में, सभी धार्मिक तीर्थ स्थान या तो पानी के किनारे, मतलब जल के किनारे, या समुद्र के किनारे हैं, या पहाड़ के किनारे हैं। जल ऐसी जगह है जहाँ पे वास्तु दोष नहीं लगता। पहाड़ भगवान भोले शंभू आदि देव का स्थान है हिमालय, तो वहाँ पर भी वास्तु दोष या किसी तरह का दोष नहीं लगता, तो वहाँ जाने से मन की तो शांति रहती है, ग्रहों का जो उठा पटक का खेल है वह भी शांत रहता है। इसलिए जीवन में जब भी मौका मिले, अपने
अनुसार धार्मिक यात्रा कीजिए और बहन बेटी कन्याओं को और अपने से जो उम्र में छोटे हैं या फिर माता पिता को साथ में ले जाना सर्वश्रेष्ठ और सौभाग्यशाली माना जाता है। कैलाश जी के लिए एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नीलम जी हैं बयाना से, जो कि अपने पुत्र गुलशन के लिए जानना चाहती हैं। गुलशन जी की जन्म की तारीख है 10/4/1991। नीलम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्रश्न पूछिए। 91 है जी। नीलम जी 91 ही है, बताइए। 91 सवाल पूछिए नीलम जी। हाँ जी सर, उसके बिजनेस के बारे में पूछना था और शादी का भी। नीलम जी आपके पुत्र गुलशन की जन्म की तारीख 10 अप्रैल 1991। 10 1 और 0 1 का अंक है और पुत्र के लकी नंबर की बात करें तो 7 मूलांक, 1 और लकी नंबर 7 बनता है। 1 और 7 के कॉम्बिनेशन में चलित में जो वर्ष है 2017 वह भी 1 का है और कैलेंडर वर्ष 2018 जो आएगा वो 2 काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा। तो 17 और 18 दोनों ही वर्ष शुभ है, विवाह के लिए बातचीत कर सकते हैं। आपका रिश्ता भी 19 सितंबर 2017 के बाद आपके बच्चे का रिश्ता पक्का हो जाएगा। रही बात व्यापार की, प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े हुए जो व्यापार रहते हैं, सरकारी जो टेंडर रहते हैं, सरकार से जुड़े हुए जो कार्य रहते हैं, उनमें व्यापार करना लाभदायक सिद्ध होगा। और अगर उनमें रुचि नहीं है तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर से जुड़े हुए जो कारोबार है उसमें भी आपके पुत्र को लाभ रहेगा। शादी के संदर्भ में एक चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, पुत्र के लिए जो लड़की ढूंढे उसके जन्म तारीख 8, 17 और 26 नहीं होनी चाहिए और जिस दिन विवाह करें वह दिन भी 8, 17 और 26 नहीं होना चाहिए, अन्यथा काफ़ी नुकसान भुगतना पड़ सकता है। तो दर्शकों, अगर आपको भी कोई समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। कैलाश जी के लिए एक और दर्शक जुड़ी है हमारे साथ, कोटा से रेखा जी, जो कि अपने हस्बैंड नरेंद्र जी के लिए जानना चाहती हैं। नरेंद्र जी की जन्म की तारीख है 26/1976। रेखा जी बहुत बहुत स्वागत है, प्रश्न पूछिए। रेखा जी अपने टीवी का वॉल्यूम जरा कम कर लीजिए, फिर अपना सवाल पूछिए। हाँ जी कम कर रही है। सवाल पूछिए। जय श्री कृष्णा रेखा जी। जय श्री कृष्णा जी। जी जय श्री कृष्णा। कम कर दिया है। सवाल पूछिए रेखा जी। हमें अपने हस्बैंड के लिए पूछना है। क्या पूछना चाहती हैं, प्रश्न पूछिए। ये जो भी काम करते हैं इन्हें लॉस ज्यादा होता है, इतनी मेहनत करते हैं उसका उन्हें फल नहीं मिल रहा कुछ भी। रेखा जी आपके पति परमेश्वर के जन्म की तारीख नरेंद्र जी की 26 जनवरी 1976। 26, 2 और 6 मिलके 8 का निर्माण, शनि का निर्माण करता है, 2 चंद्रमा का और 6 शुक्र, चंद्रमा और शुक्र मिलके शनि की युति बना रहे हैं, जो चंद्रमा सूर्यास्त के समय दिखाई देता है और 6 शुक्र पैसे का प्रतीक रहता है। तो पैसे का तो सूर्यास्त हो चुका है तो धन संपत्ति का लाभ कहाँ से रहेगा, और चलित में जो वर्ष भी चल रहा है 2017 वह 1 के अंक सूर्य का चल रहा है और आपके पति का मूलांक 8, सूर्य और शनि की युति आपस में विष योग बनाती है, तो चलित में भी 19 दिसंबर 2017 तक समय अच्छा नहीं है। जो चल रहा है उसी को ही कंटिन्यू कर लीजिए, नया काम शुरू न कीजिएगा। हाँ, 2018 कैलेंडर वर्ष में भी 26 जनवरी के बाद अगर कोई नया काम या नया व्यवसाय काम करना चाहें तो शुरू कर सकते हैं और आपके पति के फील्ड में काम करने के योग ज़्यादा हैं। घर में बैठे हुए काम अगर ज़्यादा करेंगे तो उसमें नुकसान जो होगा, फील्ड में जाके जितना अच्छा काम करेंगे लाभ भी रहेगा। हाँ, देवी पूजा करना सदैव सर्वश्रेष्ठ आपके पति के लिए रहेगा। कैलाश जी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, बीकानेर से मंजू जी हैं, जो कि अपने पुत्र अंकित के लिए जानना चाहती हैं। अंकित के जन्म की तारीख है 9/5/1984। मंजू जी स्वागत है, सवाल कीजिए। हेलो जी, सवाल पूछिए मंजू जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। उसकी नौकरी के बारे में, पहले नौकरी की वर्षित की है और दूसरी नौकरी कब तक और लगेगी, और शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ तो आप इसके बारे में बताए। मंजू जी आपके पुत्र अंकित के जन्म की तारीख 9 मई 1984, 9 ही उसका मूलांक है, 9 ही उसका लकी नंबर है। इतना प्रबल मंगल जब होने से व्यक्ति पूर्ण रूप से मांगलिक भी है और विवाह में बाधा भी रहती है, इसलिए किसी भी हनुमान मंदिर में हनुमान जी का
अनुष्ठान करवा दीजिए किसी हनुमान मंदिर में, हनुमान जी की अंगी करवा दीजिए, जो पूरी वेशभूषा रहती है वो चढ़वा दीजिए, और अपने पुत्र को कहिए मंगलवार वाले दिन किसी भी हनुमान मंदिर में दो लौंग लगावा मीठा पान बजरंग बली के चढ़ाइए, तो मंगल शांत होगा, तभी इसके विवाह के योग बनेंगे, अन्यथा विवाह में थोड़ी बाधा रहेगी। और नौकरी की अगर हम बात करें, चलित में 2017 एक का अंक मंगल के लिए बहुत लाभदायक और सफलता का द्योतक है, इसलिए कैलेंडर वर्ष 2017, 18 और 19 तीनों ही वर्ष जॉब व्यवसाय काम के लिए सर्वश्रेष्ठ है। नौकरी में पदोन्नति भी मिल जाएगी। 19 सितंबर के बाद अगर प्रमोशन चाहते हैं या ट्रांसफर चाहते हैं या नौकरी बदलना चाहते हैं तो वो भी अच्छे योग हैं। बजरंग बली की उपासना आपके पुत्र को विशेष लाभ देगी। कैलाश जी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, गुंजन जी हैं आपसे। गुंजन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आप जिसके बारे में भी जानना चाहती हैं उनकी जन्म की तारीख बताइए और अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी, जी 1974। पंडित जी, गुंजन जी महाराष्ट्र से बोल रही हैं, अपने हस्बैंड के लिए जानना चाहती हैं, उनके हस्बैंड की जन्म की तारीख है 5/10/1974। गुंजन जी प्रश्न पूछिए अपना। जी मैं अपने हस्बैंड के लिए पूछना चाहती हूँ। जी सवाल पूछिए गुंजन जी। जी उनके पास इतना कर्जा भर गया है, समझ में नहीं आ रहा है, धंधे में इतना लॉस हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गुंजन जी आपके पति परमेश्वर की जन्म की तारीख का मूलांक 5 और लकी नंबर 6 बनता है। 5 बुध की युति है जो एक नपुंसक ग्रह माना जाता है, और लकी नंबर 6 शुक्र का पैसे का प्रतीक है, लेकिन वो स्त्री ग्रह माना जाता है। जिस तरह से कि स्त्री का नपुंसक पुरुष के साथ विवाह नहीं हो सकता, कोई काम नहीं रहता, उसी तरह 5 और 6 की युति सांसारिक रूप से अच्छी नहीं मानी जाती। और 5 भगवान श्री गणेश का माना जाता है, महाराष्ट्र में गणपति बप्पा का विशेष महत्व है, इसलिए बुधवार वाले दिन, मंगलवार को नहीं, महाराष्ट्र में मंगलवार का संदर्भ ज़्यादा रहता है, क्योंकि मंगलवार को गणेश पूजा करना वो बजरंग बली को ज़्यादा बलिष्ठ बनाता है। चूँकि समस्या बुध ग्रह की है, इसलिए बुधवार वाले दिन किसी भी गणेश मंदिर में आप लाल रंग की साड़ी पहन के अगर पति साथ में चलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप लाल रंग के कपड़े पहन के किसी गणेश मंदिर में बुधवार को पूजा अर्चना श्रद्धा अनुसार जैसा आपका सामर्थ्य बनता है वो करवाइए, निश्चित रूप से आपको कुछ समय में लाभ भी रहेगा। और हाँ, अपने पति से एक चीज़ जरूर कीजिए, कहिएगा अल्कोहल का अगर सेवन कर रहे हैं तो बंद कर दीजिए, जब तक जीवन में वो अल्कोहल का और नॉनवेज का सेवन करेंगे सफलता उन्हें कभी मिल ही नहीं सकती। तो चलिए दर्शकों अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं मूलांक 4, 5 और 6 के बारे में। जी दर्शकों, मूलांक 4 राहु का अंक है, सकारात्मक सोचें और काम करने का तरीका बदल लें, बस फिर देखिए सब ठीक ठाक ही होगा। नौकरी में पदोन्नति तो नहीं, लेकिन ट्रांसफर के योग जरूर बन रहे। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 4 के लिए, ब्राउन कलर भूरा रंग जो रहता है वो विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 5 गणपति बप्पा बुध का अंक है, इस अंक वालों के लिए आज का दिन शुभ फल देने वाला रहेगा, आपके सितारों की स्थिति लाभ दिलाने वाली रहेगी। हाँ, दिन सामान्य है लेकिन रिश्तेदारों से सहयोग मिलेगा, सुखद घटनाएं होंगी। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 5 के लिए, हरा जो रंग है विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 6 आज इस अंक वालों को अचानक होने वाले फायदे से खुशी मिल सकती है। आज आपको किसी न किसी बात की चिंता भी सताएगी, लेकिन आपके पास इंतजार करने के लिए समय है, सो लिहाजा हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है, शांत चित्त होकर अपना काम कीजिए। मूलांक 6 के लिए शुभ रंग की अगर हम बात करें, नीला जो रंग रहता है वो विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। तो दर्शकों फिलहाल के लिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आपका ही मजा आएगा, जल्द वापस हाजिर होते हैं आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में।